एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो इस मंथ में हमने डिप्लॉय किया था। वो पूरा सिखाऊंगा कि आप इस तरह की स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और किस तरह से प्रॉफिट बनाना है आपको, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वो सब कुछ बताऊंगा कि ये ट्रेड में हमने लास्ट मंथ में क्या किया है। एक चीज आपको बता दूं, ये स्ट्रैटेजी को पिछले हम लोग नवंबर मंथ से करते आ रहे हैं और नवंबर मंथ से टिल डेट हर महीने ये स्ट्रैटेजी ने 5% का प्रॉफिट दिया, एक्सेप्ट जनवरी मंथ जिसमें स्ट्रैटेजी ने 2.5% का लॉस दिया था। उसके अलावा हर महीने एवरी सिंगल मंथ ये स्ट्रैटेजी 5% का प्रॉफिट दे रही है। उसकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। जब भी हम लोग ट्रेड डिप्लॉय करते हैं उसका मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ, प्लस साथ में उसके एडजस्टमेंट भी शेयर करता हूँ, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो अगस्त बैच के मेंटोरशिप का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बैच स्टार्ट होगा 4th अगस्त से। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मेंटोरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए हमेशा हम लोग कूपन कोड को क्या करते थे कि 10 दिन के लिए एक्टिव रखते थे, लेकिन इस बार ये कूपन कोड सिर्फ 100 यूज़र के लिए ही एक्टिव है। तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको TP7000 दिख जाएगा। ये कूपन कोड यूज़ करके आप 6000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मतलब मेंटरशिप का प्राइस 10,000 रुपीज़ है। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 6900 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कूपन कोड इस बार सिर्फ 100 यूज़र्स के लिए, फर्स्ट 100 यूज़र्स जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट होगा उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूजली हम लोग पहले ये कूपन कोड एक हफ्ते के लिए एक्टिव रखते थे, लेकिन इस बार अगर 100 यूजर सिर्फ 2 दिन में हो गए तो हम 2 दिन ही ये कूपन कोड एक्टिव रख पाएंगे, उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो जरूर से रजिस्ट्रेशन में लिंक मिल जाएगा, उससे रजिस्टर कर लीजिएगा, राइट। इसकी मेंटरशिप की सारी डिटेल्स अभी मैं आपको आगे दे दूंगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे आप नवंबर मंथ से डेटा देख रहे हैं। नवंबर मंथ से मैंने बुल राइडिंग मेंटरशिप स्टार्ट किया था नवंबर मंथ से। यहाँ पे देखिए, यूजली मैं वीकली और मंथली ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको निफ्टी वीकली बैंक निफ्टी वीकली दिख रहा है। तो जितने भी ट्रेड मैंने थ्रू आउट दिस मंथ में लिए नवंबर टू जुलाई, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा मंथली ट्रेड निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैपिटल यूटिलाइज है ये 5 लाख रुपीज है। और यहाँ पे ये जो भी ट्रेड्स हैं मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी किया है। ये सारे वीकली ट्रेड्स हमने शेयर किए, इंक्लूडिंग किस तरह से एडजस्टमेंट किया हुआ है, BTST सेटअप है तो सब किस तरह से एडजस्टमेंट किया हुआ है। वीकली सेटअप है, आप यहाँ पे देखिए, वीकली सेटअप मार्जिन 50,000 अगर क्या है तो टारगेट क्या रखना हुआ है, ये क्या प्रॉफिट रखना है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और वही सारे ट्रेड, मतलब जितने भी ट्रेड मैंने इस थ्रू आउट द मंथ, मतलब 9 मंथ में लिए हुए हैं, टोटल मैंने 26 ट्रेड लिए हैं फ्रॉम लास्ट 9 मंथ, वो सारे ट्वीट का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे ट्वीट की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि आपको किस मंथ में क्या क्या ट्वीट किया है आपने और क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। यहाँ पे जो टोटल कैपिटल ये सारे ट्वीट को करने के लिए यूज हुई है वो 5 लाख रुपीज हुई है। अगर आप यहाँ पे अपना ROI देखेंगे तो 5 लाख रुपीज पे आपने लास्ट 9 मंथ में 2,07,000 रुपीज कमाए हैं। यहाँ पे आप उसका चार्ट वाइज देख सकते हैं किस मंथ में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखिए कोई भी ट्रेड में आपको बोलता है 90% एक्यूरेसी नहीं होती है, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने टोटल 26 ट्रेड्स किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया है। टोटल 26 ट्रेड्स हमने किए हुए हैं इस लास्ट 9 मंथ्स में, और उसमें से सिर्फ 2 ट्रेड हमारे जो लॉस में गए हैं, एक ये मंथली ट्रेड है जनवरी का और एक ये वीकली ट्रेड है जुलाई का। ये वाला ट्रेड अभी करंटली रनिंग प्रॉफिट में है, करंटली इसमें 2200 का प्रॉफिट है, लेकिन ये ट्रेड करंटली रनिंग प्रॉफिट में है। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इस मंथ में जो 2 ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किए थे, यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रेड मैंने 1st जुलाई को आपके साथ शेयर किया था अराउंड 10:30 के आसपास, मंथली ट्रेड मार्जिन 50,000, बैंक निफ्टी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये ट्रेड मैंने पर्टिकुलर ट्रेड आपके साथ शेयर किया था, 52,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था और उसके बाद मैंने इसके एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर किए थे। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। करंट में अगर आप ट्रेड देखेंगे तो ये वो ट्रेड है जो हमने किया था, अभी यहाँ पे 1900 समथिंग या 2000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जब मैंने ट्रेड को क्लोज किया था, आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिकनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए आज विक्स में एक बहुत बड़ा फॉल आया है, 17% का फॉल आया है, और ये ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया था अराउंड
1250 के आसपास मैंने ट्रेड को क्लोज किया था, तब ये जब करेक्शन आना शुरू हो गया, विक्स में जब करेक्शन आना शुरू हो गया तो मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया था, राइट। और उसके बाद जब मैंने ट्रेड को क्लोज किया, उसके बाद भी देखिए अगर करंट प्रॉफिट देखेंगे तो अब 1900 समथिंग का चल रहा है, बट जब मैंने ट्रेड क्लोज किया था तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं सबसे लास्ट में, ये जब ट्रेड क्लोज किया था उस समय ये ट्रेड की पोजीशन थी, 2899 रुपीज समथिंग प्रॉफिट चल रहा था। मैंने ट्रेड इसको 2600 समथिंग पे क्लोज किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2600 समथिंग पे ये ट्रेड क्लोज किया हमने, और अगेन 50,000 रुपीज मार्जिन थे। अब देखिए मैं आपको इसके एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ हमने एक्चुअली में क्या किया था। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैं इसको सिमुलेशन पे भी तो दिखा सकता हूँ, लेकिन देखिए सिमुलेशन पे इसलिए नहीं दिखा सकता अभी के लिए, ट्रेड सिमुलेशन पे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो 24 जुलाई की है, और 24 जुलाई कल है आपका, और इसकी जो एक्सपायरी है 31 जुलाई है। तो अभी यहाँ सिमुलेशन जब मैं यहाँ ओपन करता हूँ ना, तो सिमुलेशन में ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे देखिए अभी ये स्ट्राइक प्राइस 24th अवेलेबल नहीं है और ना 31st अवेलेबल है। ये जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा एक ट्रेड हमने मैंने आपके साथ इस ग्रुप में ये शेयर किया था, ये वीकली कैलेंडर का, इन दोनों लेग को हटा देता हूं मैं, ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मैं एडजस्टमेंट चेक कर रहा था, इन दोनों को हटा देता हूं, ठीक है। ये एक ट्रेड है जो मैंने वीकली ट्रेड आपके साथ शेयर किया था, इसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये ट्रेड हमने कल ही किया था, आप अगर आप देखेंगे तो अराउंड 9:54 पे ये ट्रेड हमने किया था, ये सिमिलर ट्रेड कल हमने किया था, वही ट्रेड आज हमने बुक किया है। कितने पे? अराउंड 1000 रुपीज के आसपास के प्रॉफिट पे। अभी करंटली ये 1300 समथिंग चल रहा है, लेकिन जब हमने ट्रेड क्लोज किया था तो 1000 रुपीज के आसपास इस पे प्रॉफिट आ रहा था। अब देखिए ये दोनों ट्रेड का मैं आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट हमने किया कैसे था। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों ट्रेड को समझिए, मैं इस ट्रेड को सिर्फ ओपन कर दे रहा हूं। देखिए ये आपको फ्यूचर में भी काम देगा, जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो फ्यूचर में भी काम देगा। हमने ये ट्रेड किया था 1st of July को, 52,000 का पुट ऑप्शन हमने सेल किया था करंट मंथ में 24 जुलाई का और 31 जुलाई का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे डेट के साथ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने 9th of July को किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9th of July यहाँ पे टाइम और डेट भी लिख के आ जाता है, जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे टाइम और डेट लिख के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th of July को अराउंड 10 o'clock पे हमने ये एडजस्टमेंट किया था। तो जब हमने ये ट्रेड किया उसके बाद मार्केट मोर और लेस साइडवेज था। अगर आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं वन डेज का, तो मार्केट ने जून जुलाई मंथ अगर हम लोग देखेंगे तो मोर और लेस पूरा जुलाई मंथ मार्केट साइडवेज था, सिर्फ एक दिन मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, फिर मार्केट पूरा साइडवेज था। तो कंपैरेटिवली ये मंथ हमारा काफी इजी था, कंपेयर करेंगे इसके बाकी के दूसरे मंथ से, जैसे इस तरह के मंथ है, इन मंथ्स को अगर छोड़ दें तो ये वाला मंथ काफी इजी था। जैसे ये मंथ है इसमें हमको एक्टिवली एडजस्टमेंट करना पड़ा था, लेकिन इस मंथ में हमको कोई भी एक्टिवली एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा था। यहाँ पे हमने 9th of July पे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 9th of July को हमने एक कॉल लेग इसमें ऐड कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे कॉल लेग ऐड क्यों किया, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट 9th of July को अगर हम लोग देखें, 9th of July को मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे 9th of July को मॉर्निंग में हमने ट्रेड किया था, मार्केट था 52,400 पे और हमने ट्रेड कितने बनाया था, 52,000 पे। तो हमारे इसको मैं अगर हटा देता हूं तो हमारे ट्रेड से जहां पे हमारा एट द मनी था, जिस लेवल पे हमने सेल किया था उससे थोड़ा ही ऊपर था। फिर आप पूछेंगे कि हमने ट्रेड को एडजस्ट क्यों किया, देखिए यहीं पे आता है कि थ्योरेटिकली मैं आपको कोई भी एडजस्टमेंट बता सकता हूं, लेकिन ये राइट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी कि ट्रेड को एडजस्ट कब करना है, ये समझ में आपको कब आएगा, कैसे आएगा, वही मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए और देखिए यही चीज है डिफरेंस, अगर आप YouTube पे सीख रहे हैं तो YouTube पे मैं आपको एक मोरलेस सर्टेन स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ कि ठीक है इस तरह की स्ट्रैटेजी है, आप ये एडजस्टमेंट करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जब हम मेंटरशिप में करते हैं तो मेंटरशिप में यही चीजें आपको सीखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या था ना कि जब मैंने ये एडजस्टमेंट किया था उस टाइम पे कॉल और यहाँ पे कॉल का बाय लेग और सेल कॉल के सेल लेग में दोनों, मतलब ये सेल लेग है ये बाय लेग है, इन दोनों में ज्यादा प्रीमियम डिफरेंस नहीं था, मतलब प्रीमियम डिफरेंस ज्यादा नहीं था। इसका मतलब कि कॉल लेग को अगर आप ऐड करेंगे और मार्केट
आपके अगेंस्ट में भी मूव करता है तो भी आपको कभी ज्यादा लॉस नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यही सारी चीजें हम लोग मेंटोरशिप में सिखाते हैं कि कब आपको एडजस्टमेंट करना भी है कि नहीं, अगर करना भी है तो क्या रीजन है एडजस्टमेंट करने का, नहीं करना है तो क्या रीजन है एडजस्टमेंट करने का। तो यहाँ पे हमने 10th ऑफ इवन एडजस्टमेंट हमारा आया भी नहीं था, नहीं आने के बाद भी, लेकिन वो एडजस्टमेंट करने के बाद आप देखिए, अभी अगर एडजस्टमेंट नहीं करते उस समय पे ऑफ ग्राफ थोड़ा अलग होता, लेकिन यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नेचुरली आपकी रेंज बढ़ गई है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी तो ये 4000 दिखा रहा है, उस समय कुछ और हो सकता है। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट करने के बाद आपका रेंज भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, इस वजह से हमने ये एडजस्टमेंट किया था। फिर क्या हुआ नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां मैं टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा, हमने 19th ऑफ जुलाई को किया था। अब 19th ऑफ जुलाई को आते हैं, आप देखिए यहाँ पे 19th ऑफ जुलाई को एग्जैक्ट यहाँ पे ये ट्रेड का एडजस्टमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस समय जब मैंने एडजस्टमेंट किया था तब ऑलरेडी 2200 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट डे बैंक्स के इवेंट हैं, अगर आप चाहें तो ट्रेड क्लोज कर दीजिए, 2200 रुपीज समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो ये एडजस्टमेंट कर लीजिए। यहाँ पे मे बी स्क्रीनशॉट आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, 19th ऑफ जुलाई को मैंने 51,500 पे ट्रेड ओपन कर दिया था, मतलब मैंने इन दोनों लेग को क्लोज कर दिया था। इन दोनों लेग को क्लोज करने के बाद मैंने 19,000 का लेग ओपन कर दिया था। यहाँ पे फिर हमारी ये रेंज बन गई, ठीक है, 53,000, 51,500, ये हमारी रेंज बन गई। और बस उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, ये ट्रेड को हमने ऐसे ही कंटिन्यू किया और उसके बाद हमने इस ट्रेड को क्लोज किया। और हमने इस ट्रेड को क्लोज कितने पे किया है, आज हमने इस ट्रेड को क्लोज किया है 2600 रुपीज पे, राइट। तो अब देखिए आपको एक चीज तो मैं बता दूं कि कल फिर से मैं, आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिख रहा है, कल सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड मैं कल फिर से करने वाला हूँ, कल या परसों मैं फिर से करूंगा। तो अगर आपको ये ट्रेड मेरे फॉलो करने हैं, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये लाइव प्रूफ है, तो आप यहाँ पे ये आके सारे ट्रेड ट्रैक कर सकते हैं, मतलब जितने भी ट्रेड मैं करता हूँ ये सारे ट्रेड आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें से नवंबर मंथ से मैं आपके साथ ये कैलेंडर की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, और अभी तक सिर्फ एक मंथ में हमें लॉस हुआ है, वो भी सिर्फ जनवरी मंथ में 2.5% का, वो भी जनवरी मंथ में। मैं आपको बता देता हूँ लॉस क्यों हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस दिन हमने ट्रेड किया था जनवरी मंथ में, यहाँ पे जिस दिन हमने ट्रेड किया था नेक्स्ट डे ही मार्केट लगभग 2500 पॉइंट गिरा, और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट गिर गया, तो हमें एडजस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ इस वजह से हमारा ये ट्रेड लॉस में गया था, उसके अलावा कोई सा भी मंथ ऐसा नहीं है, और वो भी कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं, सिर्फ 2.5% मतलब 1100 रुपीज समथिंग के आसपास का हमको लॉस हुआ था, 1100-1200 समथिंग का आसपास लॉस हुआ था। उसके अलावा इस ट्रेड में हमें कभी भी लॉस नहीं हुआ है, और एवरी सिंगल मंथ इस स्ट्रैटेजी ने 5% 6% का रिटर्न दिया है। जून मंथ में स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया था, इंक्लूडिंग हमने कुछ साथ में वीकली ट्रेड भी किए थे। तो उसके अच्छा एक ये ट्रेड देखिए हमने कल किया था, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आया, सिर्फ कल किया था और आज इसमें हमने 1000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। 1000 का प्रॉफिट सिर्फ इसलिए हम लोग बुक कर पाए, वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे अगेन ये सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेड का प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे देखिए कल जब मैंने ये ट्रेड सेल किया था, आप यहाँ पे सिर्फ देखिए, मेरा फोकस आपको कैलेंडर समझाना नहीं है, यहाँ पे कैलेंडर से ज्यादा मुझे आपको कुछ और भी बताना है, क्योंकि कैलेंडर तो आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे मेरे चैनल पे भी या किसी भी चैनल पे, लेकिन आपको करना कब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉल और पुट का प्रीमियम सिर्फ एक दिन एक्सपायरी थी, मतलब 2 दिन एक्सपायरी के बचे हुए थे, और 500-600 का प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाय लेग कंपेरेटिवली उतने नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम है सेल लेग में, इसीलिए मैंने सेल किया था, सो दैट कि मुझे पता था कि इवन मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी होगा, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट 1.9% मतलब ऑलमोस्ट 1% बैंक निफ्टी गिरा है। बैंक निफ्टी के 1% गिरने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज पूरे दिन, बैंक निफ्टी पूरे दिन गिरा है, मार्केट वॉलेटाइल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% से भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 1% से भी ज्यादा गिरा है, लेकिन मार्केट के इतना गिरने के बाद भी आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके पास यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा था। ये सारी चीजें देखिए, कैलेंडर का ट्रेड आप जब करते हैं किसी भी चैनल पे, प्रीमियम डिफरेंस और ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है, मोस्टली बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि प्रीमियम डिफरेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। यही
ये जो टेलीग्राम है ट्रेडिंग प्लस का, या जो मैं हमारी मेंटोरशिप है वहीं पे ये हम लोग सिखाते हैं सीखते हैं कि प्रीमियम डिफरेंस कैसे ट्रैक करना है, और प्रीमियम डिफरेंस ट्रैक करने के बाद आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक बार आपने सही ट्रेड ले लिया तो मोस्ट लाइकली वो ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ मैं मेंटोरशिप की। देखिए अभी ये मेंटोरशिप का पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर प्राइस देखेंगे तो 10,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे, यहाँ पे मैं कूपन कोड देखिए अभी करेंटली जो कूपन कोड है वो 2700 का है, लेकिन आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे TP7000 और ये कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये सेवन अप्लाई करेंगे तो ये मेंटोरशिप को आप 3900 में रजिस्टर कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा बस कि ये जो कूपन कोड है सिर्फ 100 यूजर्स के लिए एक्टिव है। जैसे ही 100 यूजर्स इसमें रजिस्टर करेंगे उसके बाद ये कूपन कोड इनएक्टिव हो जाएगा, चाहे वो आज हो या 2 दिन में हो या 3 दिन में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कूपन कोड को जरूर से यूज कर लीजिएगा, राइट। और आने वाले भी ट्रेड, जैसे कल मैं ये ट्रेड करने वाला हूं तो ये अगस्त मंथ की सीरीज का ट्रेड है, तो अगर आप ये ट्रेड भी सीखना चाहते हैं लाइव में, क्योंकि अगस्त मंथ में ये मेंटोरशिप का बैच चलेगा अगस्त से लेके अक्टूबर तक, ये मेंटोरशिप 3 मंथ्स की है, तो 3 मंथ्स ये बैच चलेगा, और 3 मंथ्स में हम लोग 3 से 4 ट्रेड करेंगे मंथली में। 3 ट्रेड बेसिकली मंथली में करेंगे और कम से कम 5-6 ट्रेड हम लोग वीकली में करेंगे। ये सारे ट्रेड आप मेरे साथ सीख सकते हैं। और देखिए बेसिकली ये मेंटोरशिप 4,000 रुपीज का, और 3 मंथ्स मतलब आप इफेक्टिवली आप सिर्फ 1,300 रुपीज ही एक मंथ में पे करेंगे, और इतने कम प्राइस पे मैं आपको ये पूरी मेंटोरशिप आप ले सकते हैं। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप सच में लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको लिए वर्थफुल है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, राइट। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग ये ट्रेड पे डिस्कस करेंगे और मंथली मोस्ट प्रॉबली कल हम लोग ये ट्रेड को करेंगे जो भी मेंटोरशिप के मेंबर्स हैं उनके साथ, राइट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जो उसे आंसर करूंगा। मेंटोरशिप का रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके रजिस्टर जरूर से कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। और वीडियो में कुछ डाउट रहता है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।